देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी बेहद गंभीर विषय की, वो विषय वाकई जो हैरान परेशान करता है, लखीमपुर खीरी कांड। वो तस्वीरें आपके जहन में आज भी ताजा होंगी और उन तस्वीरों को लेकर पूरे देश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इन तस्वीरों की चर्चाएं हुई। एक थार गाड़ी किसानों को कुचलती हुई आगे चली जाती, उस थार गाड़ी के कुचलने के बाद चीख पुकार चारों तरफ सुनाई देती है, कुछ घायल किसान दिखाई देते हैं, आरोप मंत्री और मंत्री के बेटे पर लगता है। लखीमपुर खीरी कांड के बाद एसआईटी ने कहा कि यह साजिश है, साजिश। आरोपों में मंत्री का बेटा जेल में जाता है, गिरफ्तारी होती है, कुछ गवाह सामने आते हैं। वो तस्वीरें आज मैं एक बार फिर उनका जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे की सच्चाई हर कोई जानना चाहता है। लेकिन आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया एक बड़ा खुलासा करने वाला, वो खुलासा जो हैरान परेशान करेगा, वो खुलासा जो इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की पोल खोलेगा। कैसे प्रशासन किस तरह से मूर्खदर्शक बना हुआ है, एक बड़ी घटना हो सकती है और हम उससे पहले आगाह करना चाहते हैं प्रशासन को, हम जगाना चाहते हैं हुक्मरानों को, क्योंकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इस पूरे प्रकरण को लेकर एक शख्स से बातचीत की। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक एक करके किसानों को रौंदा गया। उसमें से एक किसान सजिंदर सिंह, वो घायल होते हैं गंभीर रूप से, यहां तक कि उनके मरने तक की खबर सामने आती है, लेकिन वो बच जाते हैं। मैं इस वक्त आपको बता दूं कि उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर हूं, जहां पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बॉर्डर शुरू होता है और खत्म होता है। उत्तर प्रदेश की सीमा और उत्तराखंड की सीमा पर मैं यहां पर मौजूद हूं और यहां पर कहानी यहीं से शुरू होती है। तजेंद्र सिंह, जो कि इस पूरे मामले में मुख्य गवाह के रूप में से एक हैं, आज उधम सिंह नगर में वो मौजूद हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने उनसे बातचीत की, इंटरव्यू लिया। इस दौरान तजेंद्र सिंह, उनके आंसू निकल आए, उस लम्हे को याद कर वो रोने लगे और उन्होंने हमें एक प्रमाण दिया और कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे कभी भी मारा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा गया कि सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, सुरक्षा दी जाए। लखीमपुर खीरी के एसएसपी, बकायदा वो चिट्ठी भी मैं दिखाऊंगा जहां पर वो उधम सिंह नगर के एसएसपी को लिखते हैं कि इन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। लेकिन तेजिंदर जी का दावा है कि वो एसएसपी के पास गए तो उधम सिंह नगर के एसएसपी ने उन्हें कहा कि जब आप गवाही देने जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, जब आपकी पेशी होगी तब आपको सुरक्षा मिलेगी। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है, सवाल इस बात को लेकर खड़ा होता है कि आखिरकार उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही। जब ये बात सामने आ चुकी है कि उनकी जान को खतरा है, जिसका अंदेशा उन्हें है, खुद प्रशासन चिट्ठी लिख रहा है उधम सिंह नगर के एसएसपी, क्योंकि ये वाकया उधम सिंह नगर में इसलिए आ जाता है क्योंकि तेजेंद्र जी उधम सिंह नगर में ही रहते हैं। उधम सिंह नगर उत्तराखंड, ये है यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। इस पूरे वाक्य ने कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं, सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हुए हैं कि जिस तरह से प्रशासन मूर्खदर्शक बना हुआ है,
क्या वो किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है? अब मेरा सवाल यहां पर एक और खड़ा होता है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के चहीतों को सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है, गनर दिए जा रहे हैं, मगर एक किसान नेता जिसकी जान पर खतरा है उसे गनर नहीं मिल रहा, उसे सुरक्षा नहीं मिल रही। वो भी तब जब उत्तर प्रदेश की पुलिस लखीमपुर के एसएसपी, जो ये चिट्ठी में लिखा गया है, वो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा मुहैया करवाइए, और उधम सिंह नगर के एसएसपी सुरक्षा मुहैया नहीं करवा रहे। इसके पीछे की वजह क्या है? मैं सीधा रुक कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। आज चर्चा बेहद गंभीर है, आरोप बेहद गंभीर है। वो शख्स आरोप लगा रहा है जिसकी जान पर खतरा है, वो किसान नेता है जिसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में उसे सुरक्षा नहीं मिलती, तो क्यों? आपको बता दें, मेरे साथ इस वक्त इस चर्चा में शामिल होंगे देवेंद्र प्रमुख साहब, बीजेपी के नेता हैं। मेरे साथ शामिल होंगे सबित मलिक साहब, जो कि किसान नेता हैं। ओपी सागर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि पूर्व आईपीएस हैं, साथ ही साथ कांग्रेस का चेहरा भी मेरे साथ मौजूद है, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सबित मलिक साहब, मैं आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। किसान नेता गुहार लगा रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, मेरी जान को खतरा है। लखीमपुर के एसएसपी कह रहे हैं, उधम सिंह नगर के एसएसपी को कह रहे हैं कि सुरक्षा मुहैया करवाइए, लेकिन प्रशासन मौन है। उसके पीछे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन पहले मैं तेजिंदर जी का बयान सुनाना चाहूंगा। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि तेजिंदर साहब का वो बयान सुनाया जाए, और मैं रोती हुई तस्वीरें बाद में दिखाऊंगा कि किस तरह वो रो पड़े अपनी बात को कहते हुए। किसान नेता रो रहा है, सुरक्षा की मांग कर रहा है, सरकार मौन है, क्यों? आज सवाल यही है। पहले मैं तेजिंदर जी का बयान सुनाना चाहूंगा। प्रमुख साहब, ध्यान से सुनिएगा ये बयान, जहां पर वो खुद कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। प्लीज प्ले करिए। आप पहले व्यक्ति हैं जिनके सामने मैंने अपनी बात कही और आपने पूछा है, और मैंने ट्वीट किया है, लगभग कई सौ लोगों ने उसे रीट्वीट भी किया है और देखा है, और मैंने उसमें जो है टैग किया है तमाम बड़े चैनलों को, और लोगों को जानकारी। उसके बाद भी कहीं ऐसा मीडिया के अंदर ऐसी बातें नहीं है जो आपने बात कही है, कि अगर बॉलीवुड की या कहीं की कोई एक छोटी सी घटना हो तो उसे जो है अगर मच्छर भी काट जाए तो उसको भी घटना एक समाचार बनता है, कंगना का छज्जा भी टूट जाए कंगना का छज्जा खबर बनता है। लेकिन ये देश के अंदर मैं हम लोगों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमने किसान आंदोलन मेरा व्यक्तिगत आंदोलन नहीं था, लोगों के लिए था, और जनहित में जो लोग जो लड़ रहे हैं उनकी सुरक्षा का नैतिक कर्तव्य जो है देश की सरकार का बनता है। जो लोग हित में लोग हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो, हर व्यक्ति की सुरक्षा का जो है एक सेतु का काम भी करते, और हमारी जिम्मेदारी है। जिनकी कलम गुलाम है वो ये सवाल नहीं करते, मैं जानता हूँ। उनके अंदर हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी कलम गुलाम बैठी। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि हमारे इस मंच के माध्यम से आप अपील करें सरकार से कि मुझे मेरे को सुरक्षा मुहैया करवाएं। अगर मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हमला होगा तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की सरकार को दुनिया के सामने कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, साजिश के तहत हुआ था। 3 तारीख को मैं ऊपर ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, लेकिन आज भी मेरी जान को खतरा है। मैंने उस दिन हॉस्पिटल में भी कहा था कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, 3 महीने बीत जाने के बाद भी मुझे जो है सुरक्षा नहीं दी गई है, और मेरी जान को पूरी तरह से खतरा है। अगर मेरी जान जाती है तो उसकी जिम्मेदार इस देश प्रदेश की सरकार होगी, और इसके लिए मैं लगातार कहता रहा हूं, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी स्पष्ट मुझे जो है कोई सिर्फ कागजी कार्रवाई रह गई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरी मौत की जिम्मेदार इस देश की सरकार होगी। कैसे एक शख्स, एक किसान नेता खुलकर अपनी बात रख रहे हैं? मैं जानता हूं किसके लिए क्या खबर है क्या नहीं है। मैं बॉर्डर पर इसलिए खड़ा हूं कि किसान नेता को सुरक्षा मिले। मैं बॉर्डर पर इसलिए खड़ा हूं, मैं दूरी नापने आया हूं कि उधम सिंह नगर और यूपी की दूरी कितनी है, एक बॉर्डर की सीमा। किसान नेता रो रहा है, फरियाद लगा रहा है, एसएसपी लिख रहे हैं एसएसपी साहब कि इनको सुरक्षा मिले, ये चल क्या रहा है? चावला जी, तेजेंद्र सिंह विर्क वही नेता है जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, लेकिन भगवान का शुक्र है ये बच गए, काफी दिन अस्पताल में रहे। और मैं आपको बता दूं, इन्हीं के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई और एफआईआर में भी इनका नाम डाला गया था जी। और
ये वहां पर जो आंदोलन हो रहा था उसके नेता यही थे उस वक्त पर, और इन्हीं के कहने पे बहुत सारे लोग आए थे, तो ये उस केस के मुख्य रूप से यही जो है सब देख रेख कर रहे थे। तो जो लोग अपने को बचाना चाहते हैं, जो शासन प्रशासन बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि विक्रम जी सामने आए और अपने बयान दे और इन लोगों को जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पहले ये लोग कहते थे कि किसी ने डंडे से मारा, गाड़ी बहक गई, तब ये गाड़ी चढ़ी है, लेकिन ये अब स्पष्ट हो चुका है, एसआईटी ने बता दिया है कि ये प्लानिंग कर कर हत्या करने का प्रयास किया गया, जिसमें चार लोगों की, पांच लोगों की जान चली गई, जिसमें चार किसान थे और एक हमारा मीडिया का भाई था। तो सरकार के नुमाइंदे पहले दिन से लेट लतीफी कर रहे हैं और हर चीज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास ओपी सागर जी है, ये बता सकते हैं कि कहीं भी छोटी से छोटी घटना होती है तो उस घटना स्थल को कवर कर दिया जाता है ताकि वहां से सबूत ना मिटाया जा सके। लेकिन आज तक भी पूरा चला गया, सब कुछ हो चुका, प्रशासन ने वहां पर जो है उस जगह को कवर नहीं किया, सारे सबूत मिटाने का काम किया। ये तो माननीय उच्च न्यायालय का हम धन्यवाद देते हैं कि उनके कहने पे सरकार हरकत में आई और बहुत सारी जांच हुई, और कहीं कहीं लगता है कहीं ना कहीं हम किसानों को न्याय मिलने की उम्मीद है, नहीं तो इस सरकार से किसानों को कोई उम्मीद नहीं थी और इन्होंने बचाने का प्रयास किया। और आज भी तिलक जी, मैं मलिक साहब, मैं इस विषय को क्यों उठा रहा हूँ, इसके पीछे एक वजह है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, ये कोर्ट तय करेगा, ये काम मेरा नहीं है। लेकिन सुरक्षा की मांग की जा रही है, एसएसपी लिख रहे हैं, उसके बावजूद उधम सिंह नगर के एसएसपी अगर संज्ञान नहीं ले रहे तो वजह क्या है। मैं एक बात जानना चाह रहा था, ओपी सागर सर आप अपने अनुभव के लिहाज से मुझे बताइए, मामला इतना गंभीर है, हाई प्रोफाइल है, एक शख्स के ऊपर गाड़ी चला दी गई, आरोप लगा, दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर हुई, कोर्ट ने कहा सुरक्षा दे, एसएसपी लखीमपुर कह रहे हैं कि सुरक्षा दी जाए, उधम सिंह नगर के एसएसपी सुरक्षा नहीं दे रहे, क्या मामला गंभीर है कि नहीं? तिलक जी, बिल्कुल गंभीर मामला है, और ये पता नहीं क्यों एसएसपी उधम सिंह नगर जो है उस चिट्ठी का संज्ञान नहीं ले रहे हैं जो एसपी लखीमपुर पीरी ने भेजी थी। दूसरी बात ये भी है, सही कह रहे हैं, हाई प्रोफाइल केस है, कोर्ट की भी इस पे नजर है, एसआईटी इसमें जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, ऐसे में हर हालत में इन्हें सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। लेकिन जैसा कि ये तेजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने कहा जब आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाने का तो बात बाद में है, पता नहीं कोर्ट कब जाएंगे, कब तारीख लगेगी, और फिर घर में सुरक्षा, घर के आसपास जब इन्हें कहीं जाना होगा उस समय सुरक्षा, एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड तो दे ही सकते, एक पीएसओ दिया जा सकता था, सादे कपड़ों में दिया जा सकता था, वर्दी में ना दें ताकि वो जो है वो गार्ड कर सके, ये कर देना चाहिए था, क्योंकि किसी भी समय अगर मान लीजिए कोई छोटी से छोटी घटना होती है तो उसमें पुलिस की बहुत बदनामी होगी, पूरे सिस्टम की बदनामी होगी, और रूलिंग पार्टी की समझना चाह रहा हूँ। अगर लखीमपुर के एसएसपी इस बात को कह रहे हैं, मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कि जरा वो फुल फ्रेम एक बार वो चिट्ठी दिखाएं, वो लेटर दिखाएं, और उस लेटर में साफ साफ लिखा है एसएसपी कह रहे हैं लखीमपुर के एसएसपी इनको सुरक्षा दी जाए, और उधम सिंह नगर के एसएसपी के पास वो जाते हैं, सुरक्षा की मांग करते हैं, ये देखिए चिट्ठी, और सुरक्षा की मांग की जा रही है, आरोप ये है कि सुरक्षा की मांग की जा रही है लेकिन संज्ञान तक नहीं लिया गया, वो कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाएंगे तब आपको सुरक्षा मुहैया करवा दी जाएगी। मतलब कोर्ट जाने गवाही देने के वक्त ही उनके ऊपर हमला होगा, अगर वो कह रहे हैं मेरे ऊपर हमला हो सकता है। ओपी सागर सर, इस चिट्ठी के कोई मायने नहीं है। नहीं नहीं चावला जी, ये चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है, अदरवाइज भी देखिए कोई सामान्य व्यक्ति, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति कभी भी पुलिस के पास सुरक्षा के लिए जाता है, और वरिष्ठ अधिकारी खासतौर से एसएसपी लेवल के ऑफिसर पे जाता है, तो उसे वैसे ही संज्ञान लेना चाहिए, एक प्रारंभिक छानबीन शुरू की जाती है, क्योंकि ऐसे तो हर आदमी सुरक्षा मांगने लगेगा, क्या वास्तव में उसको सुरक्षा की आवश्यकता है, तो ऐसे में आकलन करने के बाद में
सुरक्षा भविष्य प्रदान की जाती है। एसपी के लेवल पे 7 दिन तो एसपी अदालत में कनर भी दे सकता है। तो ये जो है इन्होंने क्यों नहीं किया, ये तो खैर जांच का विषय है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा सुरक्षा उनको आवश्यक थी तो जरूर दी जानी चाहिए। और फिर एसपी खीरी कह रहे हैं, एसपी लखीमपुर खीरी के कहने के बाद तो उनको खुद ही एक्शन में आ जाना चाहिए। तो उस चिट्ठी का जो है मान रखते हुए और सम्मान करते हुए उनको अपने आप उनको सुरक्षा देनी चाहिए थी। कल कोई बात हो जाएगी तो उसमें बिल्कुल ओपी सागर सर, मैं आता हूँ आपके पास। लेकिन प्रमुख साहब, आपको हैरानी परेशानी हुई जो वाक्य मैंने आपको बताया, जो खबर मैंने आपको बताई, उससे उसमें आपको हैरानी हुई प्रमुख साहब? तिलक जी, हैरानी वाली बात नहीं है, लखीमपुर कोई नई चर्चा नहीं है, इस पर काफी डिबेट्स हुई हैं, सरकार का पक्ष भी रखा गया और किसानों को भी सुना गया है, और जहां जहां कुलू था उस पर विस्तार से कार्य है। और सरकार ने जिस तत्परता के साथ इसकी जांच कराई है, शायद ही किसी सरकार ने इससे पहले कराई हो। सरकार पर उंगली उठ रही थी, उसके बाद भी कोई कमी नहीं की गई। SIT की जो कमेटी वो सरकार का ही काम था घोषित होने की, और यहां तक CBI की बात पर भी अगर मांग उठी है तो उस पर भी चर्चा। सरकार आज भी गहनता से इसकी जांच को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती है, और मणिक साहब ने अपनी बात में कहा भी है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो आरोप लग रहे हैं, जो शख्स खुद ये कह रहा है कि भाई मेरी सुरक्षा के लिए सरकार को कहा गया, प्रशासन को कहा गया, SSP लखीमपुर कह रहे हैं, उधम सिंह नगर के SSP सुरक्षा दे नहीं रहे हैं, कल को अगर खुदा न खासा कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा प्रमुख साहब? तिलक जी, ये गहन बात है और एक जांच की बात भी है। ये विषय देखिए, ओपी सागर साहब ने जिस तरह से कहा है कि SSP के पास वो गए हैं, उन्हें कोई संशय है, शंका है, तो उनको विशेष अधिकार है। जब एक IPS ऑफिसर बैठे हुए देखते हैं कि उनको लगता है कहीं ऐसी स्थिति है, तो उनको खुद भी पावर है। अगर उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का पत्र है या कोई दिशा निर्देश है, तो मैं समझता हूं कि कोई भी SSP हो, कोई भी DMM हो या सरकार का कोई हिस्सा हो, मैं तो ये कहता हूं कोई मंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री हो, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी पर संज्ञान दे रहा है तो वो उससे बचाव नहीं कर सकता। इसमें कहीं जांच का विषय है, लेटर में क्या लिखा है। उत्तराखंड में आरोप ये लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने अपने चिंटू मिंटुओं को भी जो है गदर उपलब्ध करवा दिए हैं, यानी कि जो उनको गदर नहीं चाहिए। मैं आरोप उसके उसका संज्ञान लीजिए आप लोग। प्रमुख साहब, आप चाहते हैं कि उनके साथ कोई घटना घट जाए, उसका इंतजार आप कर रहे हैं क्या? नहीं मलिक साहब, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हम चाहते तो सबूत देते ही नहीं। अगर ऐसा हम चाहते हैं, ये काम पहली सरकारों में होते थे, आपको खूब अच्छे से पता है कि सबूत कैसे मिलते हैं और निशान कैसे मिलते हैं। कौन सा सबूत दिया है सरकार ने? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को अपने बराबर में बैठाया है, आज भी उसका रिजाइन नहीं ले रहे हैं। सरकार ने जो दोष दिए हैं उसे जेल भेजने में कोई हिचक नहीं की। मनीष साहब बिल्कुल स्पष्ट है, जेल जाने चाहिए, जांच जेल में जाने के बाद हुई है, कोई उसमें किसी प्रकार सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसको आप सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं, वो सुरक्षा के दायरे में है, वो सुरक्षा के घेरे में है, लेकिन जिस शख्स के ऊपर गाड़ी चढ़ी और खुद उसका नाम भी FIR में आया और SSP लखीमपुर खीरी कह रहे हैं, लेकिन आप उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवा रहे। मुख्यमंत्री अपने चहितों को सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं हो रही किसान नेता को? क्यों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अगर अपने करीबियों को करवा रहे हैं सुरक्षा, तो किसान नेता को क्यों नहीं? तिलक जी, अगर ये मुख्यमंत्री जी के पास ये लेटर मुख्यमंत्री जी के पास गया हो, मैं तो कह रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर दिशा निर्देश ले रहा है, तो कोई SSP की ताकत नहीं है कि ना कराए। ये जांच का विषय है, उनसे क्या उनकी बात हुई है, वो किस तरीके से किसान को क्या बात उन्होंने बताई है, SSP साहब ने क्या जिक्र किया है कि किस तरीके से मैं सुरक्षा मुहैया आपको कराऊंगा? ये रोशनी जी, सुना आपने? मैंने खुद इसलिए पूर्व IPS को जोड़ा इस कार्यक्रम में, मैंने कहा जानू कि हकीकत क्या है, फसाना क्या है। लोगों के लिए कंगना का छज्जा होगी खबर, लोगों के लिए हिंदू मुसलमान खबर होगी। सीना ठोक के कह रहा हूं, किसान नेताओं के लिए खबर है तो किसान नेताओं की इस खबर को भी जानने का अधिकार है। प्रमुख साहब, मेरी कलम गुलाम नहीं है, जो हकीकत है वो दिखा रहा हूं, जो उन्होंने आरोप लगाया वो दिखा रहा हूं। रोशनी जी, क्या ये आरोप गंभीर है कि नहीं? अगर सुरक्षा नहीं मिल रही तो सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है?
देखिए मैं तो भुक्त भोगी खुद हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से गुंडों को कहीं ना कहीं से एक संरक्षण मिला है और गुंडा राज चरम पे है, खासकर उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो टेनी जी का जिस तरह से अभी तक गृह मंत्री बरकरार हैं, वो इस पद पे अभी तक बरकरार हैं, वो इससे साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों को संरक्षण दे रही है और जंगल राज चरम सीमा पर है उत्तर प्रदेश में। मैंने कंप्लेन लिखवाई थी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मारने की धमकी दी थी, तो मैंने जब कंप्लेन लिखवाई पुलिस प्रशासन इस पे संज्ञान लेने से पहले 100 बार सोच रहा था। क्यों? क्योंकि मैं कांग्रेस की नेता हूं और वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था। मैडम तेजिंदर जी का विषय है, संज्ञान लेने से पहले 100 बार सोचा जा रहा था। रोशनी जी, तेजिंदर जी का विषय है उसी पर है। देवेंद्र जी जो कह रहे हैं कि नहीं ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है और इसपे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है। तो इससे पहले जो एक साल तक किसान आंदोलन चला जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अन्नदाताओं के ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए, कटीली तारों का प्रयोग किया, ठंड में ठंडे पानी की बौछारें की, उसमें हमारे 750 से ज्यादा अन्नदाता शहीद हो गए। और उसके बाद किसान नेता अपने सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षा ना देकर चंगू मंगुओं को सुरक्षा दी जा रही है, गनर दिए जा रहे हैं। और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन्हें तो वाई प्लस सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी, जिसमें लाखों मैं उस विषय पर चर्चा ही नहीं करता। हाँ जी, मेरी आदत ही नहीं है, मैं किसानों पर चर्चा करता हूँ, किसान नेता। उस बॉलीवुड हस्ती को लेकर मैं चर्चा ही नहीं, समय ही नहीं बर्बाद करना चाह रहा, मैं अपना भी नहीं बर्बाद करना चाह रहा, आपका भी नहीं करना चाह रहा। सुरक्षा मिले, उनकी जान को खतरा है, इसीलिए डिबेट कर रहे हैं आज। मैं जवाब दीजिए, वर्ल्ड इंडिया को सलाम करती हूँ क्योंकि आज मलिक साहब फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। पत्रकार कलम अपने सोच समझ के लिखते हैं, भाजपा के पक्ष में लिखते हैं और भाजपा के विपक्ष में बिल्कुल नहीं लिखना चाहते क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी नौकरी खतरे में हो जाएगी। रोशनी जी, मैंने यूपीए का भी दौर देखा है, मुझे मालूम है किस किस कलम में गुलाम रही है। नहीं, इतने मुकदमे कभी नहीं हुए यूपीए की सरकार में। नहीं, कितने मुकदमे आपकी सरकार में भी होते थे। थोड़ी ये बहस उसके नहीं है, एक सेकंड। प्रमुख साहब, अभी तो मैं सुनाऊंगा उस रोते हुए शख्स की आवाज सुनाऊंगा आपको। जब मैंने उनको तस्वीरें दिखाई लखीमपुर खीरी की, उसके बाद वो रो पड़े, वो मैं दिखाऊंगा आगे आपको। लेकिन अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद मलिक साहब आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी, मुझे पहले रोशनी जी की बात का जवाब देखना देना है या किसान पर बोलना, ये क्लियर करिए आप। का बर्ताव किया किसानों ने, उस भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने पार्टी के पक्ष में चाहे जितना बोल ले, अपने दिल पे हाथ रखेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं जरूर ये समझ में आएगा कि किसानों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है उनके सरकार। जवाब ले लीजिए, किसान आगे आने वाले चुनाव में ये भूलेंगे नहीं कि किस तरह का सलूक किया गया है किसानों। हर वक्त चुनाव थोड़ी ना होता है। रोशनी जी, एक सेकंड रुकिए, बोलिए आप। प्रमुख साहब, मुझे तिलक जी, रोशनी जी की बात से जो थोड़ा सा ये तो महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं उनके दिल में वास्तव में दर्द है। वो कहां सताए गए हैं, किस तरह से सताए गए हैं, चाहे कांग्रेस में सताए गए हों, क्योंकि पिछले 70 वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी, 7 साल में तो रोशनी जी को कहीं सताया नहीं गया, कहीं इस देश में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, कहीं बलात्कार नहीं हुआ। अगर आप देखना ही चाहते थे, अगर आपको यही स्थिति देखनी थी तो 60 वर्षों में देखा था नहीं। लाखों किसान आपकी सरकारों में मर गए और आपने एक बार चिंता तक नहीं की, आपके नेताओं ने एक बार चिंता तक नहीं की। आज किसान के हित भी हो गया। मुद्दे पे आए, मनीष साहब बैठे बता देंगे कितना सम्मान आपने दिया है। अरे आप यूपीए वाले की बात कर लीजिए। आप ही जब जंतर मंतर पर कपड़े पहन पहन कर लोगों ने अपनी जान बताई, जेंट्स ने महिलाओं के कपड़े पहने थे, ये आप ही की सरकार में हुआ था। याद होगा आपको अच्छे से, रोशनी जी अच्छे से याद होगा। और आप क्राइम की बात कर रहे हैं, क्राइम की बात कर रहे हैं, एक बार अपना उठाकर देख लीजिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ याद करिए, अभी बता दूँ आपको राजस्थान में क्या हुआ वो देख लीजिए आप। और पंजाब जो है आपका हिस्सा है, पंजाब में क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए। आपकी सरकार ने कौन सा डिसीजन पंजाब में किया, छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया। किसान हिस्से से बनने से किसान नहीं बन सकते आप।
प्रमुख साहब मुद्दे पे, मुद्दे पे रोशनी जी प्लीज, रोशनी जी प्लीज, रोशनी जी प्लीज एक सेकंड। आपने जितनी सुरक्षा करी है रोशनी जी, सारा देश जानता है। गंभीर है आज किसानों के हित की बात कर रहे हैं आप। रोशनी जी एक सेकंड, मलिक साहब, मलिक साहब लग रहा है कि प्रमुख साहब गंभीर है, इनकी सरकार गंभीर है। प्रमुख साहब ने पहले ही कह दिया कि इनके लिए कोई बड़ा मामला नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि इनके लिए किसानों की जान कोई गंभीर मुद्दा नहीं है और ये उसको बड़ा मुद्दा नहीं मानते। और आज नहीं, पहले दिन से जब से लखीमपुर की घटना हुई है, बीजेपी के तमाम प्रवक्ता ये कहते आए हैं कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, तो इन लोगों के लिए किसानों की जान कोई मायने नहीं रखती। तो मलिक साहब, आप शायद नहीं कह पाएंगे कि मेरे जैसा व्यक्ति इस बात को कहेगा, मैं पार्टी से हटके भी अलग बोलता हूं और किसान की पृष्ठभूमि आप बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं। नहीं नहीं, ऐसा एडिकेट नहीं कर सकते आप मुझ पर, कम से कम मैं कभी नहीं नकार सकता। मैंने किसी डिबेट में, मैं टिकैत जी के साथ रहा हूँ, राकेश जी के साथ रहा हूँ, आपके साथ रहा हूँ, मास्टर स्वराज सिंह के साथ रहा हूँ, और इस बात के गवाह हैं आपके एंकर तिलक चावला जी की भारी संख्या में डिबेट किए मैंने, खासकर इस मुद्दे पर लेकर। जब मुझे जरूरत पड़ी है ना, पार्टी की गाइडलाइन को चेंज कर कभी आया हूँ। सुनोगे अब हमारी भी सुन लीजिए कम से कम। आपकी पार्टी के किसी जिम्मेदार आदमी ने या माननीय प्रधानमंत्री ने 700 कुछ किसानों के लिए कभी शोक प्रकट किया है? या लखीमपुर की घटना के लिए आपने, आपकी पार्टी ने कभी शोक प्रकट किया है? बता दीजिए आप, पूरा देश देखिए। एक एक बार मैं आपको बता देता हूँ। संबित जी, मलिक साहब सुनिए आप मेरी बात। सरकार गंभीर थी, सरकार ने पीछे हटने का जो काम किया है वो किसानों के सम्मान में किया है। किसान नहीं थे, लेकिन किसान थे। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आप कवर से अपील की, किसानों से अपील की, नेताओं से अपील की, किसान भाई नहीं रहे, नेताओं से अपील की, वैश्विक कुछ नहीं होगा को खत्म कर दीजिए। कौन है ये चीज क्लियर होगी जिस लोगों ने, जिन्होंने पार्टी जो कांग्रेस सबसे बराबर में बैठी है ना, ये है दो 700 आदमियों के, इनको माननी चाहिए माफी, सपा सरकार को माननी चाहिए। सरकार और वैश्विक महामारी में ये लोगों को सड़कों पर उतारते रहे और उनको मरवाते रहे। सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप चिल्लाओगे तो कोई डिबेट होगी। देखो रोशनी जी, सुनो हमारी, सुनो एक मिनट। देखो आप जिसके अनुयायी हो, सावरकर ने माफी मांगी थी अपनी जान बचाने के लिए अंग्रेजों से, और आपने माफी मांगी है किसानों से अपनी सत्ता बचाने के लिए। प्रमुख साहब ऐसे नहीं मांगी माफी, अपनी सत्ता बचाने के लिए आप माफी मांग रहे हो। और मलिक साहब सुन कह रहे थे कि अच्छे कानून है, आप फील्ड में भेज रहे थे लोगों को समझाने के लिए अच्छे कानून है, आज क्यों नहीं बताने जा रहे कि क्यों हमने वापस ले लिए गलत कानून थे? अरे कुछ तो शर्म करो, 24 घंटे झूठ बोलने का काम करते हो, कहीं तो शर्म करो, कुछ तो स्पष्ट बात करने वाले लोग हैं। हमने तब भी कहा, आप झूठ बोलते हो, 24 घंटे झूठ बोलने का काम करते हो। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आपके लोग बता रहे हैं, किसान संगठन बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना काल, वैश्विक महामारी, देश पर आफत, हमने जो चाहा चाहे कम ही लोग जा रहे थे उनकी बात को माना। क्योंकि आप लोग एक ही बात कहते रहे कि भारत के प्रधानमंत्री झुकना नहीं चाहते, जिनका भी सुरक्षा तो है, आप लोगों को स्वीकार नहीं है, लेकिनों के दालों का साथ झुकने नहीं चाहते हैं। इसी बात को लेकर जोगी कुमार जी के प्रधानमंत्री ने आम लोगों के सामने झुकना ही अच्छा समझा। सब लोग झूठ बोलने का काम करते हो। मैं एक और बयान सुनाऊंगा, मेरी दरख्वास्त है प्रमुख साहब, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए प्रमुख साहब। कोविड में चले जा रहे हैं आप चले जा रहे हैं वैश्विक महामारी में। मैं कह रहा हूँ कि जो शख्स यहाँ पर गंभीर रूप से आरोप लगा रहा है आपकी सरकार प्रशासन पर, एक तरफ उत्तर प्रदेश है और दूसरी तरफ उत्तराखंड, और उत्तराखंड प्रशासन की अगर जिम्मेदारी है, और मुख्यमंत्री अगर अपने चहितों को गदर मुहैया करवा रहे हैं,
जो आरोप लग रहे हैं, लेकिन किसान नेता अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। लखीमपुर खीरी कांड जिस पर पूरे देश की नहीं दुनिया की नजर है, वहां पर आप उस शख्स को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा रहे। आप सुनिए, मैं सुनाता हूँ, सुनाइए मेरे सहयोगी से। मैं चाहूंगा, माफी चाहूंगा, मुझे दूसरी जगह जाना है, मलिक साहब प्लीज 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 पांच मिनट दीजिए, प्लीज पांच मिनट। मैं चाहूंगा क्योंकि आप किसान नेता है, किसान नेता का दर्द सुनिए। मैं क्या हो गया, मुझे जाना है कहीं। मलिक साहब सिर्फ पांच मिनट लूंगा आपको, सिर्फ पांच मिनट। मैं चाहूंगा तेजिंदर जी का ये बयान, जो रोते हुए उन्होंने अपनी बात को रखा, सुनिए जरा। लखीमपुर खीरी का ये वीडियो, पूरा देश इस वीडियो को भुलाए कभी नहीं भूल सकता। यह मसला सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन के दौरान किसानों को कुचलने का नहीं, उस इंसानियत को कुचलने का है, उस आवाज को कुचलने का है, लोकतंत्र की हत्या का सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, 3 अक्टूबर को याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैं तो बच गया, लेकिन मेरे साथ 18 साल का लवप्रीत था, 22 साल का है कि मैं तो बच गया, मेरे साथ का लवप्रीत चला गया। मुझे दुख इस बात की है, भगवान मुझे भी ले लेता, लेकिन आज सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं करवा रही। मैं सुरक्षा की गुहार लगा रहा हूँ। मलिक साहब जल्दी से मुद्दे पर आऊंगा। प्रमुख साहब तिलक जी, आप वो वीडियो देखोगे तो वीडियो के बीच में जो सबसे लंबी वाली दाढ़ी वाले सरदार जी हैं, जो जीप के ऊपर गिर जाते हैं, वही विक्र जी हैं जो बच जाते हैं। ये बोनट पर गिर के एक साइड में पलट जाते हैं, इसलिए इनकी जान बच जाती है। और जो इनके साथ में लोग चल रहे थे वो पहिया के नीचे आ जाते हैं, और एक आदमी तो पहिया के नीचे फंस कर कुचल कर जाता है। और आप प्रमुख जी का चेहरा देखिए, इनको गंभीर नहीं लगता, इनके चेहरे पर हंसी आती है इतनी दुखद घटना में। हम लोग तो ये कहते हैं ये निर्दयी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये हत्या आरोपियों को अपने साथ लेकर चलने वाली सरकार है। सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं प्रमुख साहब? देखिए, मैं मलिक साहब की बात का पहले तो ये खंडन करता हूँ कि अगर मैं हंसता हूँ तो आप अच्छा नहीं लगता, अगर मैं कठिन बोलता हूँ कैड़े बताते हैं, अगर चेहरा बिगाड़ता हूँ तो बीजेपी कमजोर बताते हैं। पता नहीं मुझे करना क्या है, आप मुझे दिशा निर्देशित करें, मैं उसी हिसाब से अपने फेस को भी सेट करूंगा, क्योंकि ये मुझे पता नहीं लगता कि कौन सा फेस किसको अच्छा लगता है। प्रमुख साहब मैं सीधा पूछ रहा हूँ, सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं? देखिए तिलक सर, जहाँ सुरक्षा की जरूरत है वहां सुरक्षा मिलनी चाहिए, और ये एसएसपी कोई छोटी चीज नहीं है। एक आईपीएस का इतना बड़ा कद होता है और वो इतना बुद्धिजीवी वर्ग होता है कि एक जिले को चलाने के लिए एक आईपीएस पर पूरी जिम्मेदारी होती है। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ उस शख्स के आरोप के आधार पर ये सवाल उठा रहा हूँ कि उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। देखिए बिल्कुल, एसएसपी साहब को बुलाकर ये जांच करनी चाहिए, अगर सुरक्षा की जरूरत है तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो लखीमपुर खीरी के एसएसपी ये बात क्यों कह रहे हैं कि उनको सुरक्षा की जरूरत है? देखिए, ये लखीमपुर खीरी के एसएसपी से हो सकता है आप भी एक बार तिलक जी पूछ सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है। सुरक्षा देने में उन्हें दिक्कत क्या है? कौन सी ऐसी चीज लगती है, कौन सी वो ऐसी जांच करा रहे हैं, कौन से वो समय देखना चाहते हैं कि उन्हें सुरक्षा कब देनी है? फाइनल कमेंट रोशनी जी। देखिए, किसान नेता अपने सुरक्षा के लिए लगातार गुहार कर रहे हैं सरकार से, और सरकार को अपना किसान विरोधी जो चेहरा है उसे छोड़कर अभी कहीं ना कहीं किसान हितैषी बनना पड़ेगा, क्योंकि देश के अन्नदाता, देश के किसान ही हमारा कहीं ना कहीं पेट भरते हैं। दो वक्त की रोटी जो हम खाते हैं हमारे किसानों की देन है, हमारे अन्नदाताओं की देन है। उनके साथ ऐसा सलूक देखकर मुझे भी कहीं ना कहीं आंखों में से आंसू आ रहे हैं कि ऐसी किसान विरोधी सरकार इससे पहले कभी नहीं आई और आगे ना आए, यही अच्छा है हमारे देश के लिए। क्योंकि जिस देश में हमारे अन्नदाताओं को भगवान माना जाता है, उस देश में आज इस तरह का किसान विरोधी रवैया कतई बर्दाश्त नहीं करेगी यहाँ की जनता। और जिन किसानों का वीडियो भी है सबके फोन में कि किस तरह से उन्हें अपने गाड़ी से, थार गाड़ी से भाजपा नेता जो मंत्री हैं उनके बेटे ने उड़ाने की कोशिश की और वो तो बच गए लेकिन बाकी लोग मर गए, और अब वो उस समय बचे हुए हैं लेकिन आगे भी वो जिंदा रहे, हम सबके बीच रहे, इसके लिए उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। खुदा ना खासा कोई घटना हो जाती है उसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं? देखिए, जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है, बिल्कुल तिलक जी, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। अगर सुरक्षा प्रशासन की वजह से चूक होती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है,
प्रशासन मैं और आप तो ले ही नहीं सकते सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की भी। प्रशासन प्रशासन किसके अधीन है? प्रशासन जिसके अधीन है, अगर वहां कहीं संशय की जरूरत है, वहां सरकार चूक करती है तो आप क्वेश्चन करिए। सरकार का काम जांच कराना है, जांच में जहां समिति बनानी है एसआईटी की, वो स्पीड से बनाई और वो कराई। और सरकार अगला काम भी जो किसान चाहते हो सरकार अब भी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आपको छोटा विषय लग रहा है प्रमुख साहब, लेकिन बहुत गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता का अंदाजा सबको होगा। लखीमपुर खीरी को लेकर यह एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दिखाई, जहां सीधे तौर पर आरोप खुद किसान नेता लगा रहे हैं। कितनी हकीकत कितना फसाना, ये जांच का विषय है और एसएसपी उधम सिंह नगर को भी इस पूरे विषय पर जांच करनी चाहिए। अगर उन्हें सुरक्षा की जरूरत है तो सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।